6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर के ऊपर से बोइंग B-29 गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस एयरक्राफ्ट में रखा है एक एटम बम। 8:15 जब यह बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है, इस दिन हिरोशिमा में जो लोग इस दर्दनाक धमाके में बच जाते हैं वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जिसकी वजह से बहुत से लोग अंधे हो गए। इसके बाद अचानक तेज आवाज इतनी जोर से कानों में बजती है जिससे कई लोग बहरे हो जाते हैं और 4000 डिग्री का टेम्परेचर जमीन पर था। इससे लोग कुछ ही पल में हवा में राख बन गए। ये चीज इतनी जल्दी हुई कि लोगों का साया वहां जमीन पर एक तरीके से रह ही गया। जो कुछ लोग शुरुआती हमले से बच गए वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या यहाँ पर। इससे पहले कि वो समझने की कोशिश करते, इतनी तेज गर्म हवाएं चलने लगी कि एक गर्म और जानलेवा हवा का तूफान बन गया जिसने घरों, स्कूलों और अस्पतालों समेत सब तहस नहस कर दिया। कुछ मिनटों बाद हवाएं कम हुई, लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें सिर्फ काला और जहरीला धुआं दिखाई दिया। लोगों की स्किन जलने लग गई थी, लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। ब्लास्ट के करीब आधे घंटे बाद बारिश आने लगती है। प्यासे लोगों में बच जाने की एक नई उम्मीद जाहिर हुई, मगर ये कोई आम बारिश नहीं थी बल्कि हवा में मौजूद जहरीली गैस की वजह से काली बारिश थी। बारिश का एक एक कतरा काले रंग का था। आसमान से काली बारिश टपक रही थी। जो लोग किसी भी वजह से बच गए उनमें से कई लोगों की मौत दरअसल कुछ दिनों बाद या महीनों बाद रेडिएशन की वजह से हुई। इस दर्दनाक वाक्य के बाद जापानीज हेड्स ने आपस में मिलना बहुत कम कर दिया और उन्होंने कहा, कौन सी बड़ी चीज हुई है, बस एक बड़ा बम ही तो गिरा है, सरेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जापान ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया। इसके जवाब में 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक बार फिर सुबह के करीब 11 बजे एक और अमेरिकन एयरक्राफ्ट जापान के दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर एटम बम गिरा देता है। इस बम धमाके से आसमान में जो एक आग का गोला बनता है वो पहले से भी कई गुना ज्यादा बड़ा बनता है। कुछ ही पल में 40,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और लगभग सारा का सारा शहर मिनटों में तबाह हो जाता है। इन टोटल 2 एटम बम के हमलों में लगभग 2,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 90% लोग आम शहरी थे जिनका जंगों से कोई लेना देना ही नहीं था। एक तरफ अमेरिका एटम बम्स के जरिए एक एक करके जापान के शहर लम्हों में उड़ाए जा रहा था, दूसरी तरफ रशिया जो कि तब सोवियत यूनियन था, इसने भी जापान पर अपनी मिलिट्री से हमला कर दिया। जापान को हर तरफ से घेरा जा चुका था और दिन ब दिन जापानीज फौजी अपनी पोजीशन कमजोर करते जा रहे थे। आखिरकार जापानीज सुप्रीम काउंसिल में जापानीज मिलिट्री हेड्स बैठे और अपने आप को अमेरिका और दूसरी एलाइड पावर्स के हाथों सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। The time is 9:05 AM. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. यूं वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हुआ और जापानीज मजीद एटम बम्स का शिकार होने से बच गया। मगर यहाँ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या अमेरिका का जापान पर एटम बम गिराना और 2,00,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करना सही कदम था या नहीं? क्या बंद कमरे में किसी देश को दूसरे देश पर एटम बम गिराने का इख्तियार होना चाहिए? क्या US प्रेसिडेंट को ये हक पहुँचता है कि इनका बंद कमरे में किया गया फैसला लम्हों में लाखों लोगों की जान ले ले? इस सवाल का जवाब तो बड़ा पेचीदा है, मगर एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसके अलावा अमेरिका के पास और भी कई ऑप्शंस थे जापान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हवाले से। बहरहाल इस सब के बाद दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 और एटॉमिक बम के असरात और तबाही से सबक सीखते हुए फैसला किया कि अब से 9 एटम बम की पॉलिसी अपनाई जाए और होपफुली आज तक उसके बाद किसी भी मुल्क ने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया।